ओथे होगी असनो फाल बालीनी, ओथे होगी असनो फाल बालीनी, असी गूगल ते पढ़ ली खबर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं धर्मपुर, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हमको सुनने में आया है कि वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए। आइए आपको लेकर चलते हैं धर्मपुर। धर्मपुर चंडीगढ़ और शिमला के सेंटर पॉइंट में आता है और NH5 पर स्थित है। चंडीगढ़ से इसकी दूरी 50 किलोमीटर और शिमला से यह 60 किलोमीटर दूर है। वैसे तो यह स्थान इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ से आगे शिमला जाना पसंद करते हैं। पर अगर आपका बजट कम है और आप बर्फ देखना चाहते हैं, तो इससे अच्छा डेस्टिनेशन मिलना मुश्किल है। यहाँ पर पहुँचना, यहाँ का खाना पीना और यहाँ पर रहना शिमला के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। और यहाँ आप चंडीगढ़, अम्बाला, लुधियाना से ईज़िली सेम डे अप डाउन कर सकते हैं, इसलिए बर्फ़ देखने के शौकीन लोग विंटर में यहाँ खूब आते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए बस सर्विस चंडीगढ़ और कालका से मिल जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए टॉय ट्रेन सर्विस भी मिल जाती है, जो कालका रेलवे स्टेशन से शिमला के लिए रेगुलर इंटरवल पर चलती है। पर यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा साधन टैक्सी और अपनी कार है। हम अपनी होंडा ब्रियो ऑटोमेटिक से धर्मपुर जा रहे हैं। वो सामने हिमाचल के पहाड़ दिख रहे हैं। वो देखिए, पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रही है, हमें यहाँ से ही दिख रही है। बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पे तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लाइक बूंदाबांदी टाइप्स। चलिए वहीं भी चलते हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री में एंटर करने लगे हैं और यहाँ से धर्मपुर 29 किलोमीटर दूर रह गया है। हिमाचल प्रदेश की एंट्री पर एंट्री टिकट लगती है। अभी पहुँच के बताते हैं कितनी टिकट लगती है। हिमाचल प्रदेश में एंट्री पे 40 रुपए की टिकट लगती है। यहाँ पर बारिश की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। रास्ते में अगर आपने कुछ खाना पीना है तो यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं। इस साइड लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होने की वजह से रास्ता डाइवर्ट करके इस साइड को सिंगल साइड कर दिया गया है। राइट साइड पे देखिए हमारे पहाड़ों का दृश्य। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो लैंडस्लाइड जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक हुई है। चंडीगढ़ से धर्मपुर जाते हुए रास्ते में दो टोल प्लाजा आते हैं। पहला टोल प्लाजा पंचकुला कालका हाईवे पर स्थित है और दूसरा यहाँ धर्मपुर में है। धर्मपुर पहुंच गए हैं हम। मौसम देखिए फ्रेंड्स, वाह धुंध ही धुंध। ये राइट साइड भी देखिए, धुंध ही धुंध है हर जगह, कुछ नहीं दिख रहा सामने। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हमें आगे आने वाली बर्फ के संकेत लग रहे हैं। अब हम धर्मपुर से थोड़ा आगे आ गए हैं। धर्मपुर से 10 किलोमीटर आगे जाकर राइट साइड एक पॉइंट बना हुआ है, जहां पर लोग स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए आते हैं। शिमला जाते हुए धर्मपुर से ही स्नोफॉल स्टार्ट होती है और यहां पड़ी हुई बर्फ़ देखकर पता लग रहा है कि ये ताई ताई स्नोफॉल पड़ी है अभी, मगर अभी स्नोफॉल नहीं हो रही है। यहाँ पे बर्फ पड़ रही है और मैं ड्यू पीने वाली हूँ। ठंड में ड्यू का मजा ही कुछ और है।
आप भी आए हो जरूर ट्राई करें। वाओ, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, जैसे आपको बताया था, हम पहुंच गए हैं धर्मपुर, शिमला रोड पे पड़ता है, और जैसा हमने सुना था कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, बिल्कुल सही निकला, स्नोफॉल गिर रही है, ऊपर सारी जगह बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए, तुमको है कुछ हो गया, आहो पिया ही भरती हो, दीवानी हो तुम दीवानी, दीवानी बात करती हो, हम तो चलो दीवानी से ही, पर अपनी बताओ अब। यहाँ पे हम थोड़ी देर एंजॉय करेंगे और फिर चलेंगे वापस चंडीगढ़ की ओर। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया। दूर दूर तक जहाँ भी देखो बर्फ ही बर्फ दिख रही है, सारे पेड़ बर्फ से भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों आपको अपनी अगली वीडियो पर।